और वो लोग दारू होम डिलीवरी घर घर पहुंचवाता नीतीश जी के सारे प्रशासनिक लोग। और ये कह रहे हैं ऐसे लगभग 500 लोगों का मृत्यु हुआ है और इस पे जदयू और माननीय मुख्यमंत्री जी को डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ सनी कुमार। यूं तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, यानी कि जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जा रही है। ताज़ा मामला है होली के दिन का। होली रंगों का त्यौहार होता है और इस दिन भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आए और शराब पीने से करीब 8 लोगों की जान गई है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। कुल मिला के आंकड़े की बात की जाए तो 35 से अधिक लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में बता दें कि छोटे लालू यानी कि कृष्णा यादव से हमने बातचीत, उन्होंने क्या कुछ बताया है शराबबंदी के आलम में। जिस तरीके से शराब पीने से 8 लोगों की जान गई, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, बाकी लोगों की मौतों का आंकड़ा को लेकर जो सरकार आंकड़ा छुपा रही, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं छोटे लालू कृष्णा यादव, आइए आपको सुनाते हैं। होली की खुमारी में कई लोगों की जान शराब पीने से गई है, 25 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है, वहीं 8 लोगों में पुष्टि भी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? ये वर्तमान सरकार जो है वो आंकड़ा छिपा रहा है ताकि इनको दुर्दुराए नहीं। पूरा बिहार और पूरा देश अभी देख रहा है कि नीतीश कुमार कैसे दारूबाज का जो आंकड़ा छुपा रहे हैं, जो मर गए हैं लोग, ताकि इनका जो है हुज्जत नहीं हो। तो पूरा देश और बिहार की जनता जान रही है कि नकली शराब बेचवा रहे नीतीश कुमार, घरे घर होम डिलीवरी। और अब तो यहाँ तक कि गाना भी गा दिया कि 1200 में फूल मिले और 600 में हाफ हो, और नीतीश जी कैले बारे बिहार में ऐलान। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए और नई कानून इस पर पारित करना चाहिए बिहार के जनता के हित में। गंदी शराब पीकर के इतने सारे लोग मर रहे हैं और खुशी के त्यौहार होली के अवसर पे इस 37 लोग को बता रहे हैं, लेकिन ये 500 के आंकड़ा पार है। कितने गरीब मर गए ओकर आंकड़ा कौन देगा? ये सब खाली किताब में और खाली कॉपी में लिखने का, डायरी मेंटेन करने का वर्तमान सरकार काम कर रहे, क्योंकि मुआवजा नहीं देना हो। बताओ नीतीश जी, आप खुद दारू बेचवा रहे हो, हर एक थाना इसका चपरासी है, क्लर्क है, और BDO इसका किरानी है हर एक प्रखंड का, और वो लोग दारू होम डिलीवरी घर घर पहुंचवाता नीतीश जी के सारे प्रशासनिक लोग। और ये कह रहे हैं ऐसे लगभग 500 लोगों का मृत्यु हुआ है और इस पर जदयू और माननीय मुख्यमंत्री जी को डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए। एक मामला ये भी है कि मुख्यमंत्री एक गजट सभी विधायकों को दिया है पढ़ने के लिए, अधिकारियों की राय पर दूसरा बंदी कानून में संशोधन होना उसको लेकर। अरे बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। हमारा माननीय न्यायालय का खाली दारूबाज से उसका केस का जो फाइल है वो भरा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी चोर बदमाश और गुंडा को एक तरह से संरक्षण दे रहे हैं, और एक मामूली आदमी जो गरीब है, जो गरीब गुरबा है, कहीं गलती से पी लिया, उसको जो है 8-8 महीना मासूम को जेल में, और कई लोगों को तो उम्र कैद दिया है माननीय मुख्यमंत्री, कौन जवाबदेही है? एक शराब के लिए उम्र कैद, 16 लोगों को हमने लगभग सुना है कि उम्र कैद की सज़ा हुई है। ये मुख्यमंत्री बना रहे, ये बिहार है कहाँ बाहर है भाई? चोर गुंडा का राज है, और दारू अगर थोड़ा सा पी लिया तो वो बदमाश हो गया, उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और एक रेपिस्ट को, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले को शर्म आनी चाहिए, ऐसे बात कर रहे हो भाई? तो इस पर बहस करने से फायदा है कि संशोधन लाओ, जनता के हित में काम करो, जहरीली भगाओ और बढ़िया चीज लाओ और इस सबको भगाओ।